मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मेघालैंड की 60 और नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। नागालैंड में 60 सीटें हैं, लेकिन एक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 59 सीटों पर ही वोटिंग होगी। यहाँ भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। इस समय दोनों ही राज्यों में भाजपा की गठबंधन की सरकार है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP और भाजपा गठबंधन की सरकार है।